एमकेएम की राबता कमेटी ने हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के मौके पर दरगाह पर हाजिरी दी और अल्ताफ हुसैन की जानिब से चादर हाई। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की राबता कमेटी के रुकन इशफाक मंगी की सरबराही में वफ्द ने सेवन शरीफ पे लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के मजार पर हाजिरी दी और फातह खानी की। बाद में राबता कमेटी के अरकान ने सेवन शरीफ में लगाए गए खिदमत खल्क फाउंडेशन के तिब्बी कैंप का दौरा किया और जायरीन को फराहम की जाने वाली तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया। एमक्यूएम के वफ़ ने हजरत लाल शहबाज कलंदर के उर्स के मौके पर दरगाह पर हाजिरी दी और अल्ताफ हुसैन की जानिब से मजार पर चादर चढ़ाई और फातिहा खानी की। एमक्यूएम की राबता कमेटी के रुकन अशफाक मंगी की सरबराही में एमक्यूएम के नुमाइंदा वफ़ ने हजरत लाल शहबाज कलंदर के 760वें उर्स के मौके पर सेवन शरीफ में दरगाह पर हाजिरी दी और अल्ताफ हुसैन की जानिब से चादर चढ़ाई। इस मौके पर हक परस्त अरकान असम्बली और कारकुनान की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। एमक्यूएम के वफ़ ने गोल्डन गेट सेवन शरीफ के सामने लगाए गए खिदमत खल्क फाउंडेशन के मुफ्त तिब्बी कैंप का दौरा किया और ज़ायरीन को फराहम की जाने वाली तिब्बी इमदाद का मुआयना भी किया। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के वफ़ ने हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के 760वें उर्स के मौके पर सेवन शरीफ में दरगाह पर हाजिरी दी और अल्ताफ हुसैन की जानिब से चादर चढ़ाई। एमकेएम के वफ़ ने हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के मजार पर फातह खानी के मुल्क कौम की तरफ से खुशहाली के अलावा अल्ताफ हुसैन की दराज़ उम्र और सेहत और तंदरुस्ती के लिए खुसूसी दुआ भी की। बाद में एमकेएम के रहनुमाओं ने गोल्डन गेट सेवन शरीफ के सामने लगाए गए खिदमत खल्क फाउंडेशन के मुफ्त तिब्बी कैंप का दौरा किया और यहाँ ज़ायरीन को फराहम की जाने वाली तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया।